हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चावल की खीर। इसके लिए हमें करीबन 1.5 लीटर दूध मैंने यहाँ पे लिया है। इसको हम अच्छी तरह बॉईल करेंगे और मैंने छोटी कटोरी राइस ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के आधा घंटा चावल को भिगो दिया है। अब हम गैस जलाएंगे। दूध बॉईल होने पे हम इसमें चावल डालेंगे। तो देखिए, चावल जो है अब डालेंगे हम इसमें। दूध उबल गया है। इसको हमने सिम गैस पे बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है। चावल डालने के बाद हम इसको हिलाते रहेंगे बीच बीच में, और जब तक पकाते रहेंगे जब तक चावल नहीं गल जाते और अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाते। इस तरीके से दूध भी आपका काफ़ी हद तक सूख जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो दूध थोड़ा और भी डाल सकते हैं। ऐसे आपने बीच बीच में हिलाते रहना और सेम गैस पे रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। इस तरह से हिलाते हुए हम सेम गैस पे इसको पकने के लिए कुछ देर के लिए गैस पे रख देंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे दूध काफ़ी कम होता जा रहा है और हमारे चावल भी गलने लग गए हैं। इसको हम हिलाते जाएंगे और थोड़ा सा बीच बीच में जब भी हिलाएंगे चावल को प्रेस करते रहेंगे। थोड़ा सा गाढ़ी होती है फिर इससे खीर जो हमारी। इसमें आपने खास ध्यान रखना है कि आपने बीच बीच में कलछी चलाते रहना है ताकि खीर में जो दूध है आपका वो जले ने नीचे लग के। इस तरीके से इसे अभी हम कुछ देर और पकाएंगे। करीबन 15 मिनट हमने गैस पे सिम गैस पे इसको अच्छी तरह से पकाया है और चावल को बीच बीच में हमने दबाते रहे हैं हम इसको। और देखिए, हमारा दूध काफ़ी सूख चुका है और हमारी जो खीर है वो भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 कटोरी हमारे चावल थे तो हमने इसमें 1 कटोरी चीनी डाली है। चीनी कम या ज़्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार भी कर सकते हैं। चीनी जब अच्छी तरह से घुल जाएगी तब हम इसको गैस से नीचे उतारेंगे। उतनी देर हम बीच बीच में इसको ऐसे हिलाते रहेंगे और चावल को अच्छी तरह से प्रेस करते रहेंगे ताकि हमारी जो खीर है वो और गाढ़ी हो जाए। करीबन 5 मिनट तक हम इसको चीनी डालने के बाद पकाएंगे। तो देखिए, हमारी जो खीर है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और खाने के लिए तैयार है। अब हम इसे डोंगे में डालेंगे। गैस बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार है। अब हम इसमें बादाम, जिसको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काटा है, और किशमिश से हम अच्छी तरह से गार्निश करेंगे। अगर आप चाहें तो बादाम को गैस पे उतारने से पहले भी आप डाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये रही हमारी चावल की खीर। आप इसे बनाइए और खाइए। ये बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनी है, और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में डालिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।